भारतीय सेना में करीब 17 वर्ष तक अपनी सेवाएं देने के बाद भी सेवानिवृत्त नायक राजेश कुमार का देशभक्ति का जज्बा आज भी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने इलाके के युवाओं को सेना में भर्ती करवाने का बीड़ा उठाया हुआ है। हमीरपुर निवासी राजेश कुमार अब क्षेत्र के युवाओं को सेना में भर्ती करवाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे दिन प्रतिदिन तड़के खेल मैदान में पहुंचकर एक दर्जन से अधिक युवाओं को सेना में भर्ती होने की तैयारी करवा रहे हैं। करीब 2 महीने पहले शुरू हुआ उनका यह अभियान अब सफल होने लगा है और उनके द्वारा तैयार किए गए 3 युवा सेना में भर्ती हो चुके हैं। राजेश कुमार का कहना है कि बड़ी संख्या में युवा भर्ती के लिए करवाई जा रही इस तैयारी में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और उनके अंदर देश सेवा का जज्बा पैदा हो रहा है। सत्रह साल जॉब करने के बाद आज मैं यहाँ पर रिटायर होके यहाँ पर तमाम इन बच्चों के साथ जुड़ा हूँ और ताकि इन लड़कों का मोराल अप हो सके और अपना फ्यूचर बना सके। और दूसरा, मैं इन लोगों को एक नशे से दूर रहने की एक सलाह देता हूँ जिससे ये अपना फिजिकल बना सके। क्षेत्र के युवा राजेश कुमार से सेना में भर्ती होने के सभी गुर सीख रहे हैं और वे उनके द्वारा दिए जा रहे निःशुल्क प्रशिक्षण से बेहद खुश हैं। युवाओं का कहना है कि राजेश कुमार उन्हें बेहतर ढंग से तैयारी करवा रहे हैं जिसे लगता है कि उनका सेना में भर्ती होने का सपना जल्द पूरा हो जाएगा। सर बहुत अच्छी कोचिंग दे रहे हैं और आगे से आगे लड़के जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ और फ्री कोचिंग दे रहे हैं, बिल्कुल ही ट्रेनिंग फ्री, और इससे बहुत फायदा होता है हमारे को। हमारा फिजिकल वर्क भी होता है और आगे हमारे को ट्रेनिंग के लिए भी फायदा होता है और आर्मी में दौड़ क्लियर करने के लिए भी हमें बहुत फायदा होता है। राजेश कुमार खुद भी सेना में बतौर कमांडो प्रशिक्षक तैनात रहे और उन्होंने 17 वर्ष तक देश के विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं दी। युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण देकर देश सेवा के उनके जज्बे को देखकर लगता है कि वे अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब होंगे। हमीरपुर से सुशील शर्मा के साथ नंदिनी मित्तल, डीडी न्यूज़ शिमला।